हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं या घर में इधर उधर पड़ी रहती हैं, पर अगर हम थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचें तो यही बेकार सामान हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत काम आ सकते हैं और हमारे पैसे भी सेव हो सकते हैं। और हम में से बहुत सारी होममेकर्स तो यही चाहती हैं कि हमारे पैसे भी बच जाएं और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में शेयर करती हूँ कुछ यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, जिसे फॉलो करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज तो रखेंगे ही, साथ ही हमारे पैसे भी बचेंगे। इस तरह के पेपर वाले शॉपिंग बैग तो हम सभी के घरों में पड़े ही होते हैं, तो हम इस तरह के बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रिज में सब्जियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे पास कुछ इस तरह के स्वीट्स वाले पेपर बैग थे जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, उसी को यूज किया है। सिंपली इसे ऊपर से फोल्ड कर दिया है। अगर आपके पास थोड़े बड़े बैग हो तो उन्हें कट कर सकते हैं, कट करके फोल्ड कर लीजिए। इस तरह के पेपर बैग में सभी साइज के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर किया जा सकता है। अगर आपके पास इस तरह के पेपर वाले बैग हैं लिफाफे जैसे, तो उन्हें भी आप सब्जियों को स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। इसे फोल्ड करके छोटा कर लीजिए और छोटी छोटी सब्जियां इसमें स्टोर कर लीजिए। इस तरह से हम घर में पड़े हुए पेपर बैग को यूज कर सकते हैं सब्जियों को स्टोर करने में। और इस तरह के पेपर बैग में जब हम सब्जियों को स्टोर करते हैं तो सब्जियों की मॉइस्चर को ये पेपर बैग अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारी सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर तो कवर हम सभी लगाते हैं, पर महंगे डाइनिंग टेबल कवर की जगह हम यूज कर सकते हैं सिंगल बेड शीट एज ए डाइनिंग टेबल कवर, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं और जिनकी प्रिंट भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये बेड शीट सबके घरों में अवेलेबल भी होते हैं, और अगर आपके पास नहीं भी है तो मार्केट से आप इसे ला सकते हैं, जो कि आपके डाइनिंग टेबल कवर से काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। इस पर प्लास्टिक सीट जरूर लगाएं, जिससे ये दाग धब्बों से प्रोटेक्ट रहेगा। मुझे तो इस तरह से सिंगल बेड सीट से डाइनिंग टेबल को कवर करना काफ़ी पसंद आता है। आपको ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हम सभी के पास इस तरह के पंप बॉटल तो होता ही है, इससे आप एक बहुत ही अच्छा सोप डिस्पेंसर बना सकते हैं। सबसे पहले बॉटल के ऊपर जो लेबल है उसे रिमूव कर लें। देन इसके ऊपर इस तरह का वॉलपेपर का स्ट्रिप काटकर बॉटल के दोनों तरफ स्टिक कर लें। और अब इसमें सोप डाल लीजिए। इस तरह से जीरो कॉस्ट में एक सोप डिस्पेंसर रेडी हो गया है, और हमने प्लास्टिक बॉटल को रीयूज भी कर लिया है। इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर मैंने पहले भी बना रखा है। ये एक सैनिटाइजर का बॉटल था जिसे मैं सोप डिस्पेंसर के तरीके यूज करती हूँ। इस बॉटल को भी मैंने वॉलपेपर से कवर कर दिया है, जिससे देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। सेम इसी तरह की बॉडी वॉश की बॉटल थी जिसमें मैं डिशवॉश लिक्विड रखती हूँ, इसमें लेबलिंग कर दिया है, इससे मैं पूजा के बर्तन धोती हूँ। इसी तरह का एक और बॉटल यूज करके मैंने लिक्विड डिटर्जेंट रखा हुआ है। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं और हमारा सामान ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया बहुत ही यूजफुल है। इस तरह के एक्स्ट्रा एक्सपेक्स के बॉक्स तो हम सभी के घरों में होते हैं, जिन्हें हम यूज़ भी नहीं करते और यूं ही ऐसे पड़े होते हैं। तो आप भी मेरी तरह इस बॉक्स में कुछ मेकअप के सामान स्टोर कर सकती हैं। ट्रैवल के दौरान इस तरह के बॉक्स को यूज़ करके हम मेकअप का सामान इसमें रख सकते हैं। दूसरे बॉक्स को यूज़ करके मैंने ट्रैवलिंग में काम आने वाले नेल फाइलर, नेल कटर, सेफ्टी पिंस को रखा है। आप चाहें तो इसे मैनिक्योर किट भी बना सकते हैं। इस तरह के किट ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं,
हम इसे अपने हैंडबैग में आराम से रख सकते हैं और इस तरह से इसे रखने से हमें चीज़ों को ढूंढना भी नहीं पड़ता और ये ख़राब भी नहीं होते। आप अपने पर्स के अलावा अगर कोई वैनिटी किट बना रहे हों तो उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के बॉक्स पड़े हैं तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह के जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र मुझे ट्रैवलिंग में काफ़ी पसंद आता है। मुझे उम्मीद है आपको भी ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। अब चलते हैं एक बहुत ही सुंदर सा DIY ऑर्गेनाइज़र बनाकर देखते हैं, जिसके लिए मैंने एक सॉस की खाली बॉटल ली है जो सबके किचन में होते ही हैं, और एक ऐसा ग्लास लिया है जिसके सेट ख़राब हो चुके थे। अब ग्लास और बॉटल को मेजर करके वॉलपेपर का 2 स्ट्रिप कट कर लिया है। अब सिंपली वॉलपेपर को बॉटल के राउंड में पेस्ट कर देंगे, तो इस वॉलपेपर के पीछे ग्लू लगा होता है तो ईजिली पेस्ट हो जाते हैं। सेम उसी तरह से मैंने ग्लास के ऊपर भी वॉलपेपर का स्ट्रिप चिपका दिया है। इन दोनों बॉटल और ग्लास को रखने के लिए एक ट्रे की जरूरत पड़ेगी, तो जिसके लिए मैंने टेक अवे कंटेनर लिया है। इस बॉक्स के बॉटम का लेबल ठीक करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पीस लिया हुआ है, इसे मेजर करके कट कर लेंगे और इस कार्डबोर्ड पीस को सेम वॉलपेपर से कवर कर देंगे जिससे हमने बॉटल और ग्लास को कवर किया था। अब इस कार्डबोर्ड पीस को कंटेनर के बॉटम में हम फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। कंटेनर को भी वॉलपेपर से चारों तरफ से कवर कर दिया है। पतले से स्ट्रिप को काटकर मैंने बाहर से भी इसे लगा दिया है जिससे कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। और कोशिश करें कि कंटेनर ब्लैक कलर का हो, क्योंकि हमारा वॉलपेपर वाइट एंड ब्लैक है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसे। तो इस तरह से घर के बेकार सामान से मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लिया है। इस ऑर्गेनाइज़र को घर के डिफरेंट कॉर्नर में डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ड्रेसिंग टेबल पर भी आप इसे अपने मेकअप के सामान को रख कर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इस सुंदर से ऑर्गेनाइज़र को आप अपने बाथरूम में एज अ ब्रश होल्डर भी रख सकते हैं। इसके अंदर आप अपने टूथपेस्ट को टूथब्रश को ऑर्गेनाइज करके इजीली रख सकते हैं और ये आपके बाथरूम में बहुत सुंदर लगेंगे। इस तरह के होममेड ऑर्गेनाइजर को आप अपने स्टडी डेस्क के ऊपर भी रख सकते हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने इसे अपने स्टडी डेस्क के ऊपर रखा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी है। मैंने पेंट ब्रश भी रखे हैं और बहुत सारे पेन और मार्कर्स भी रख दिए हैं। तो मैंने इसे अपने स्टडी डेस्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया है। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। मुझे ये ऑर्गेनाइजर बहुत पसंद आ रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। आप बताएं आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज की नो कॉस्ट आइडियाज़ काफ़ी पसंद आए होंगे और आप भी अपने होम मेकिंग की जर्नी में इसे फॉलो करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।